और इस वक्त एक बड़ी खबर सहारनपुर से, जहां राहुल खट्टा का एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। बड़ी खबर है सहारनपुर से, राहुल खट्टा का एनकाउंटर किया गया है। 2 लाख का इनामी है राहुल खट्टा। राहुल खट्टा का एनकाउंटर किया गया पुलिस के जरिए। तमाम बड़े अधिकारी लगातार काफी देर से कॉम्बिंग कर रहे थे, लगातार पीछा भी कर रहे थे। करीब एक गाड़ी में 4 बदमाशों के होने की खबर मिली थी, कि जिसके बाद ही सहारनपुर में घेरबंदी की गई थी। और राहुल खट्टा का इस वक्त की जो बड़ी खबर, एनकाउंटर किया गया है सहारनपुर से, यह बड़ी खबर। तमाम बड़े पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए थे, पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची हुई थी। और हमारे साथ इस वक्त पंकज बालियान जुड़ गए। पंकज, राहुल खट्टा का क्या एनकाउंटर हो चुका है इस वक्त जो खबर मिल रही है? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से घेराबंदी पुलिस ने सवेरे से बदमाशों की कर रखी थी, संदिग्ध बदमाशों की एक बार सूचना पुलिस को यहाँ मिली थी, उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने यहाँ कॉम्बिंग की थी और चारों तरफ से घेराबंदी की थी। फिलहाल जो है घेराबंदी में क्राइम ब्रांच की टीम को सफलता मिली है। राहुल खट्टा गए जो 2.5 लाख का इनामी बदमाश था, क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उसके साथ ही एक साथी और बदमाश इस वक्त मारा गया। पुलिस का अधिकारी इस समय मौके पर है, मौजूद है। नवनीत नितिन तिवारी जो एसएसपी हैं वो भी यहाँ इस समय मौजूद हैं और डीआईजी भी यहाँ मौके पर मौजूद है। अभी 2 बदमाशों की और तलाश जारी है, अभी भी मुठभेड़ जारी है। जी प्रशांत जी, बिल्कुल बिल्कुल आपसे जाना चाहेंगे। 2 लाख का इनामी बदमाश, लगातार हमने अपने खास कार्यक्रम में भी इसके पूरी क्राइम कुंडली दिखाई थी, लेकिन इसके साथ कितने लोग थे, क्या हथियार बरामद हुए हैं और क्या कुछ जानकारी? अभी भी प्रशांत जिस तरीके से मुठभेड़ है, क्योंकि इसके 2 साथी अभी बचे हुए हैं। फिलहाल मुठभेड़ में जो बदमाश मारा गया उसमें राहुल खट्टा बदमाश मारा गया, उसका एक और साथी जो उसके साथ था वो मारा गया। अभी 2 बदमाश बाकी है, इसलिए मुठभेड़ अभी जारी है। इसलिए अभी हथियारों के मिलने की और उसके बाद की बात ही बता पाएगी पुलिस की क्या इनके पास से बरामद हुआ है। जी, यानी कि अभी कुछ लोग और छुपे हुए हैं, चारों तरफ से घेरेबंदी अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल, अभी भी कुछ बदमाश जो है वो 2 बदमाशों की सूचना और है, उसके साथ ही अभी पुलिस की मुठभेड़ जारी है। बिल्कुल, पुलिस की मुठभेड़ अभी भी जारी है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है। रहिए पंकज हमारे साथ, लौटेंगे। बड़ी खबर यही है कि राहुल खट्टा का एनकाउंटर कर दिया गया है। 2 लाख का इनामी बदमाश राहुल खट्टा, जिसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है सहारनपुर से, यह बड़ी खबर। हमने राहुल खट्टा की पूरी क्राइम कुंडली अपने खास कार्यक्रम वॉन्टेड में भी आपको बताया था, कि कैसे ये तमाम वारदातों को अंजाम देता है, कैसे ये यहां तक पहुंचा। पूरी क्राइम कुंडली हमने अपने खास कार्यक्रम वॉन्टेड में भी आपको दिखाई थी, लेकिन राहुल खट्टा का एनकाउंटर कर दिया गया है। 2 लाख का इनामी बदमाश राहुल खट्टा, इस वक्त मुठभेड़ हालांकि अभी भी जारी है। लगातार पुलिस चारों तरफ से घेरे हुए है, कुछ बदमाश अभी भी वहां पर बने हुए हैं, लेकिन राहुल खट्टा को मार गिराया गया, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, क्या बता रहे हैं पुलिस अधिकारी, कब से उन्हें इसकी जानकारी मिल रही थी, इसकी लोकेशन मिल रही थी, जिसके बाद इसकी घेरेबंदी शुरू की गई? जी बिल्कुल प्रशांत, पिछले काफी दिनों से इसकी लोकेशन यही पर लगातार सहारनपुर में जी, और उसके बाद आज भी इसकी लोकेशन फिर दोबारा सहारनपुर के बड़गांव के जो सबसे पहले जड़ोदा पांडा गांव में मिली थी, उसके बाद से पुलिस ने इसकी घेराबंदी कर ली थी। उसके बाद ये बदमाश जो है पुलिस को लगातार चकमा देकर आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने घेराबंदी करी थी उस हिसाब से लग रहा था कि आज जो है ये बदमाश यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, और वही हुआ भी है। और क्राइम ब्रांच से कामयाबी मिली, और जिसमें जो कई प्रदेशों में जो आतंक का पर्याय बना हुआ राहुल खट्टा जो है, पुलिस ने यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच की टीम ने जो है उसको मुठभेड़ में मार गिराया, उसके एक साथी को भी मुठभेड़ में मार गिराया है। लेकिन अभी भी 2 बदमाश जो है पुलिस के हाथ जो है भी बचे हुए हैं, उनके साथ पुलिस लगातार अभी भी मुठभेड़ कर रही है। उसी के बाद बता पाएंगे कि इनके पास क्या हथियार थे और क्या 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 इनके पास से बरामद हुआ है। बिल्कुल पंकज, कब तक ये मुठभेड़ चल सकती है, क्या संभावना वहां पर जताई जा रही है, इस बारे में कोई जानकारी पुलिस अधिकारी दे रहा है? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से मुठभेड़ अभी जारी है, लगता है कि ज्यादा लंबी मुठभेड़ यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत मौके पर है, चारों तरफ से घेराबंदी है, क्योंकि तीनों जो है जिले की पुलिस है वो इस समय जो है चारों तरफ से जंगल की घेराबंदी कर रहे हैं, तो इस तरीके से लगता है कि शायद ये बदमाश भी ना बच पाए। बिल्कुल बिल्कुल, आखिर जो बदमाश है उन्हें भी पुलिस मार गिरा रही है पंकज। लेकिन जो राहुल खट्टा, फिर बता दें 2 लाख का इनामी बदमाश राहुल खट्टा, जिसे पुलिस ने मार गिराया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया इस वक्त। ये बड़ी खबर सहारनपुर से, राहुल खट्टा मार गिराया गया, एनकाउंटर कर दिया गया। काफी दिनों से उसकी लोकेशन मिल रही थी, जिसके बाद तमाम पुलिस अधिकारी लगे, बड़ी पुलिस फोर्स लगी, चारों तरफ से घेरेबंदी की गई, और अब जाकर राहुल खट्टा का काम तमाम कर दिया गया, उसे मार गिराया गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। हमने अपने खास शो जी मेगा शो वॉन्टेड में भी राहुल खट्टा की पूरी क्राइम कुंडली दिखाई थी, बताया था कि कैसे ये वारदातों को अंजाम देता है और कैसे यहां तक पहुंचा है, कैसे इसने पुलिस को लगातार चकमा देता चला आ रहा है। इसकी तमाम गहनता से हमने आपको छोटी छोटी बिंदुवार आपको हकीकत बताई थी, और आखिरकार अब उसी राहुल खट्टा जहां उसी नामी बदमाश राहुल खट्टा को पुलिस ने
मार गिराया। 2 लाख का इनामी बदमाश हमारे साथ, हमारे संवाददाता पंकज लगातार बने हुए। पंकज, हमारे खास शो, अगर हम मेगा शो वांटेड का जिक्र करें तो इससे भी कई बार पुलिस प्रेरणा लेती है और इस तरह के अपराधियों को धर पकड़ती है, उनका एनकाउंटर करती है। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से हमारे मेगा वांटेड शो में दिखाया था राहुल खट्टा के, जब ही से पुलिस लगातार इसको वर्क कर रही थी और इस वर्क के चलते ही आज जो है राहुल खट्टा की जो लोकेशन लगातार बार बार सहारनपुर मिल रही थी, पुलिस इस पर बहुत जबरदस्त वर्क कर रही थी और आज उसकी कामयाबी पुलिस को मिली है। और जिस तरीके से हमारे मेगा शो वांटेड में राहुल खट्टा का दिखाया तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए मददगार साबित भी हुई है। जिस तरीके से बार बार ये कई प्रदेशों में प्राय बन चुका था आतंक का, वो आतंक का प्राय आज पुलिस जो है बिल्कुल खत्म कर दिया और मुठभेड़ में उसको मार गिराया है। बिल्कुल पंकज, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही है, जो हथियार, जो जखीरा, जो बारूद इनके पास से मिला है, SLR मिली है, आखिर बेहद अत्याधुनिक हथियार, बड़ी मंशा इनकी रही होगी राहुल खट्टा की आगे और कई वारदातों को लेकर। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आपको मैं प्रशांत बताऊं कि 2 दिन पहले एक बैंक भी लूटा था ग्रामीण बैंक, उसमें भी इसके होने की पूरे पूरे चांस थे। उसके बाद से ही पुलिस लगातार इसको जो है गंभीरता से ले रही थी और इसकी लोकेशन उस दिन भी जो है बेहद क्षेत्र में मिली थी, उस दिन पुलिस ने घेराबंदी की थी लेकिन उस दिन ये पुलिस को चकमा देकर निकल गया था। तो आज उस दिन के बाद से पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया और लगातार इसकी मोबाइल लोकेशन पर वो लगातार बनी रही और आज फिर इसकी मोबाइल लोकेशन जब गांव के जड़ौदा पांडा में मिली तो उसके बाद पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए उसको जंगल में घेर लिया और उसके बाद तीनों राज्य पुलिस, तीनों जो जिलों की पुलिस थी, तीनों जिलों की पुलिस को जो अलर्ट कर दिया गया था DIG की ओर से, उसके बाद इसकी घेराबंदी की गई। तीनों जो है जिलों की पुलिस ने इसको चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद इसने जो है पुलिस जब अपने आप को घिरा देखा तो इसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और कार्रवाई में जो है राहुल खट्टा का जो है खात्मा कर दिया गया। बिल्कुल, राहुल खट्टा का यहाँ पर खात्मा कर दिया गया, लेकिन जो जानकारियां SLR मिली है, कई अत्याधुनिक हथियार भी इसके पास से बरामद किए गए हैं, लेकिन इसका एनकाउंटर इस वक्त हो चुका है। जब पुलिस ने चारों तरफ से घेरेबंदी की, इसे पकड़ने की कोशिश की तो घिरा हुआ देखकर राहुल खट्टा और उसके साथियों ने पुलिस पर पलटवार करना शुरू कर दिया, जहां पुलिस पर ही राहुल खट्टा ने वार करना शुरू कर दिया। इसके बाद चारों तरफ से पुलिस घेरे हुए थी और इसी के बाद पुलिस ने इसका एनकाउंटर भी कर दिया है। हालांकि मुठभेड़ अभी भी जारी है, जो हमारे संवाददाता पंकज बालियान बता रहे हैं कि मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं है मुठभेड़ चलने वाली है क्योंकि चारों तरफ से जो बदमाश हैं वो घिरे हुए हैं। और इसके अलावा राहुल खट्टा का एनकाउंटर कर दिया गया, एक और बदमाश मारा गया, लेकिन कुछ अभी भी बकाया है जो जानकारी मिल रही है। कुछ ही देर में ये मुठभेड़ भी खत्म हो जाएगी, इसके बाद तस्वीर साफ होगी कि इनकी आगे और क्या मंशाएं थी, कितना क्या कुछ इनके पास से बरामद हुआ है। लेकिन SLR एक बरामद हुई है जो पुलिस से लूटी गई थी कुछ समय पहले और बड़ा जखीरा, अत्याधुनिक हथियारों का बड़ा जखीरा इनके पास से बरामद किया गया है। पंकज, आखिरकार ये जखीरा, बड़े पैमाने पर ये जखीरा, कोई हाल फिलहाल भी क्या कोई इनकी कोई ऐसी मंशा या कोई और प्लानिंग थी किसी और बड़ी वारदात को देने के लिए, जिसके बाद पुलिस की ये घेराबंदी और ज्यादा सतर्क पुलिस ने दिखाई सतर्कता? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से इनकी लोकेशन बार बार यहाँ पर मिल रही थी तथा पुलिस को बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दे सकते हैं, जिस तरीके से LIU ने भी एक बार पुलिस का आलाधिकारी उस तरह कहता कि इस बार जो बदमाशों के गैंग हैं, गैंग जो यहाँ सक्रिय गैंग है बदमाशों के, उनके जो हिसाब से जो ग्रामीण बैंक है वो निशाने पर रहेंगे और वो लूटपाट कर सकते हैं। उसके बाद से पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी। इसके बावजूद भी अभी 2 दिन पहले सहारनपुर में बैंक लूट हुई थी, जो पंजाब नेशनल बैंक में लूट हुई थी 10,61,000 रुपए की, उसमें भी राहुल खट्टा का जो है शंका जाहिर की गई थी कि राहुल खट्टा इसमें जरूर शामिल हो सकता है, क्योंकि उस दिन भी इसकी लोकेशन जो थी बेहद थाना क्षेत्र में मिली थी। जी ठीक है, पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी। ठीक है, शुक्रिया पंकज आपका। लेकिन बड़ी खबर, अहम खबर यही सहारनपुर से की राहुल खट्टा का एनकाउंटर कर दिया गया है। राहुल खट्टा 2 लाख का इनामी बदमाश, और पहले हमने आपको अपने मेगा शो वांटेड में बताया था कि कैसे तमाम वारदातों को अंजाम देता है, कैसे क्या कुछ वारदातों को अंजाम देता है राहुल खट्टा।